स्कूल, लाइब्रेरियन या स्कूल पियन। ठीक है, ये अपने पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? यू आर अंकिता या अनुपम। ठीक है, लिव्स इन 108 या 108 बसंत विहार जयपुर। ठीक है, आई बात समझ में। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर कंप्लेनिंग अगेंस्ट रूड बिहेवियर ऑफ स्कूल लाइब्रेरियन, या अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है रूड बिहेवियर ऑफ स्कूल पियोन, यानी कि स्कूल के चपरासी का गलत व्यवहार या स्कूल के लाइब्रेरियन का जो रूड बिहेवियर, यानी कि ऐसा व्यवहार जिसको आप कहते हैं खड़ूस आदमी है, तो उस व्यवहार की बात कर रहे हैं हम। अगर ऐसा ऐसा वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है एग्जाम के अंदर, तो इन दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर होगा। अरे बात समझ में। क्वेश्चन आपके पास में कैसा भी आए, अगर दोनों में से कोई भी आता है, आपको आंसर सेम लिखना है दोनों ही क्वेश्चन का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस समझ में आ रही है ना? तो स्टार्ट करेंगे इसको बहुत शानदार तरीके से। देखो, सबसे पहला काम आपको वही करना है जो आपका लेफ्ट कॉर्नर रहेगा पेज का, यानी कि उल्टे साइड जो आपकी पेज की रहेगी, वहां पे सबसे पहले आपको लिखना है एड्रेस उस व्यक्ति का जो कि पत्र को लिख रहा है। द पर्सन हु इज राइटिंग द लेटर, यू हैव टू राइट हिज एड्रेस, उसका पता आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि हाउस नंबर 108, कौन सी कॉलोनी की बात कर रहे हैं अपन? बसंत या बसंत कुंज, जो भी आपको एड्रेस दे रखा होगा वो आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने कहा यहाँ पे आपको लिखना है क्या? जयपुर। अगली बात समझ में? ओके, इसके बाद आपको क्या लिखना है? डेट। इसके बाद में आपको लिखनी है डेट। डेट जितनी भी आपको एग्जाम की डेट लिखनी हो, या एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आपका 6 मई को आएगा, तो आपको 6 मई लिखना है, लेकिन आज हम पत्र लिख रहे हैं, तो आज को आज की डेट आपको इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी फरवरी या फेब्रुवरी 2021। ऐसे लिखोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉप करना है, फिर आपको लिखना है द प्रिंसिपल। अगली बात समझ में? क्योंकि हम प्रिंसिपल को लिखना है ना, इसके बाद में स्कूल का नाम लिखना है आपको, और स्कूल की स्पेलिंग पूरे लिखोगे तो बहुत गलत लिखते हो। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरियन लिख लो कैसे, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। इसके बाद में आपको आगे लिखना है क्या? रेस्पेक्टेड मैम है ना अपने यहाँ। सर तो नहीं लिखोगे? सर मत लिखते हो, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पता चले कि फीमेल की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है, किसी औरत की बात है, तो मैम लिखना पड़ेगा, और मैम नहीं लिखना है आपको, स्पेलिंग आती है MADAM। या अगर आप इसको शॉर्ट में मैम लिखना चाहते हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा MAAM, और बीच वाले के ऊपर क्या लगाना है आपको? अपोस्ट्रोफी। क्या लगाना पड़ेगा? अपोस्ट्रोफी। इस मैडम को ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में, ऐसे मत लिखना MAM, मैम वो गलत हो जाता है। अरे बात समझ में? छोटे बच्चे जो LKG UKG इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पे MAM सिखाया जाता है, और अपनी अच्छी स्कूलों में ऐसे नहीं सिखाया जाता है। कब? जब आपको 100 में से 100 लेने की बात करनी, तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अब आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखा है मैंने यहाँ पे रिस्पेक्टेड मैडम। ठीक है, करेंगे, फिर अपनी फिक्स लाइन स्टार्ट हो जाती है विद ड्यू रेस्पेक्टफुली। कौन बच्चा है, कौन बच्चा है जो मेरे को पूरी लाइन फिक्स बताएगा? इसको 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 इनको छोड़ कर बता देगी। और कौन बताएगा? तुम क्या बारात में आए हो सारे? याद नहीं है तुम्हारे किसी के?
तो लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां से देखो लिखेंगे कैसे, विद ड्यू रेस्पेक्ट फुली आवाज मत करो, आई वांट टू, ऐसे आएगा आई वांट टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द रिलेवेंट अथॉरिटी अबाउट द रूड बिहेवियर, अबाउट द रूड बिहेवियर ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, किसी पर प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक तो किसी पर दिक्कत नहीं होगी। देखो अब जिन बच्चे को लिखना नहीं आया है किसी भी लेटर को, यहां तक भी अगर वो यहां तक सीख लेता है ना, देखो कहां तक अबाउट द तक, अगर यहां तक भी नहीं आया तो आज से लिखना स्टार्ट कर देना, सीखना स्टार्ट कर देना। अगर इसके बीच का नहीं आता है आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन आपको नहीं आता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले उसकी बात कर लेते हैं कि आपको इससे, मान लीजिए आपके पास में 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पास में, ठीक है, लेटर का आपके पास में 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप ऐसे लिख लेते हो, यहां तक भी लिख लेते हो, तो आपको कम से कम 3 या 3.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन 3.5 नंबर में से जो आपके बच गए, 3.5 और 3.75 होते हैं, 3.5 तो आए गए, अब तो 3.5 बच गए मार्क्स, उनमें से 2 नंबर आपको मिलते हैं किसके, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के 2 मार्क्स मिलेंगे, तो आपको उसके ऊपर स्पेशली ध्यान देना है, ठीक है। कैसे लिखना है उसके बारे में बात करेंगे। तो विद ड्यू रेस्पेक्ट फुली अपन आ गए यहाँ तक, यहाँ तक अपन लिख चुके हैं किसकी, अबाउट द रूड बिहेवियर ऑफ स्कूल लाइब्रेरियन। अब क्या कहोगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, देखो ध्यान से, रूड बिहेवियर क्यों करता है, मुझसे बोलते हैं कि नेवर रिप्लाइज प्रॉपरली, वह कभी भी जब उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वो सही से आंसर नहीं देता है, हमेशा उखड़ी उखड़ी बातें करता है। हम उससे कभी भी किताब के बारे में पूछते हैं, मैगजीन के बारे में पूछते हैं, नोटबुक के बारे में पूछता है, तो वो अपने को कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देता है, मतलब संतोषजनक कोई आंसर वो अपने को नहीं देता है। संतोषजनक जानते हो ना, यानी कि ऐसा आंसर जो आपको थोड़ा संतुष्टि दे सके, ऐसा वो आंसर अपने को नहीं देता है। आई बात समझ में, तब उसको क्या कह सकते हैं कि वो रूड बिहेवियर करता है, कैसा करता है वो, रूड बिहेव करता है, ठीक है। चलो आ जाओ, ही नेवर रिप्लाइज प्रॉपरली, वह कभी भी सही से आंसर नहीं देता है, ठीक है, एंड ही इज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वह हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा रहता है, जब भी उससे कुछ पूछते हैं तो आंसर नहीं देता है, ना व्हेनेवर, यानी कि जब कभी भी एनीथिंग रिलेटेड टू बुक्स मैगजीन्स इज आस्क्ड, He never replies. देखो ध्यान से, He is always frustrated, वह हमेशा गुस्से में रहता है, whenever, जब कभी भी, anything related to books, magazines is asked, he never replies, वह कभी भी आंसर नहीं देता है, कब, जब उससे कभी भी किताबों के बारे में और मैगजीन के बारे में पूछा जाता है तो वो कभी भी आंसर नहीं देता है, ठीक है। और बात करते हैं कि उसका जो बिहेवियर है इसके साथ में, स्कूल के स्टाफ के साथ में और स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ में, इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, उसका जो बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है विद्यार्थियों के साथ में और किसके साथ में, स्कूल के स्टाफ के साथ में भी अच्छा नहीं है। आइए बात समझ में, लिखेंगे आगे कैसे, हिज बिहेवियर टुवर्ड्स स्कूल students and school staff is not factory। बस इतना अपने को बहुत है लिख लिया, अपने बहुत आराम से लिख लिया, यहां तक तो खूब सरल लाइनें हो गई। अब आप क्या चाहते हो, देखो प्रॉब्लम तो आपने बता दी, प्रॉब्लम ये है सारी
कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वह स्कूल के स्टाफ के साथ बात ठीक से नहीं करता है, विद्यार्थियों के साथ बात अच्छे से नहीं करता है। इसके अलावा उससे जब एक्शन अगेंस्ट हिम, ठीक है, लिख लो कैसे, याद तक लिख लोगे सभी, और देखो फिर क्या लिखोगे, प्लीज लुक इन टू दिस मैटर इमीडिएटली। इसके नीचे लिख दो क्या, पता नहीं तुम्हारे को फिक्स लाइन क्या है, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो फिर लिखते हैं यहाँ पे, प्लीज लुक इनटू दिस, वो भी नहीं उठानी अभी किसी को, मैटर इमीडिएटली एंड डू दैट, डू दैट नीडफुल, ठीक है। आप लिखोगे आगे, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, थैंकिंग यू, मेरे को दिखा के जाना, उसके बाद लिखना है आपको योर्स बेस्ट।